In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kathri. Today I am going to translate paragraph number 9 of chapter number 1 The Savior of Mankind. This is actually a little bit complicated paragraph but I tried my best to translate it in easiest way. So be with me in my video. Let's start. एंड और रसूल सल वसम द वे और रसूल सल वाल वसम उस रास्ते पर चलते रहे All Almighty had chosen हैड चूसन अल्लाह ततखिब किया था चूज़न मुंतखब किया फ़ारहम उन उनके लिए एंड रसूल सल वम डोदे माइटी हैड चूसन फ़ॉरहम और रसूल सल वस चलते रहे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब किया था यहां पे हिम का वर्ड होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के लिए यूज किया जा रहा है इमूट सर शार दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल इम्यूट सर शार

रसूल वसल्लम ने सामना किया इनकाउंटर सामना करना टू फेस समथिंग ऑल द चैलेंजेस तमाम मुश्किल का चैलेंजेस हार्डशिप्स विद ग्रेस हिम्मत से एंड डिग्निटी और असमल शान ग्रेस का मतलब हम शान भी कह सकते हैं ठीक है इंब्यूट

कुछ ही वक्त में देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे यूज़ किया गया इन नो टाइम आप कह सकते हैं कुछ ही वक्त में आप कह सकते हैं फौरन राइट इन नो टाइम कुछ ही वक्त में ही एलिवेटेड उन्होंने सर बुलंद कर दिया एलिवेटेड सर बुलंद कर दिया मैन आदमी को टू द हाइस्ट बुलंद तरीन पॉसिबल लेवल मुमकिन सता इन बोथ दोनों स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली मैदान वर्ल्डलीदान एक्चुअली फील्ड डोमेन्स फील्ड्स को भी बोलते हैं राइट इन नो टाइम ही एलोवेटेड मैन टू द हाइस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली ली कुछ ही वक्त में उन्होंने आदमी को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में मुमकिन हद तक बुलंद तरीन सतह पर सरबुलंद कर दिया ही वॉज ऑल्सो आर ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स मुतहरिक बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट कॉन्क्वेस्ट फतुहाटरल फॉर्म हैल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट वो अरब फतूहा के पीछे मुतहरिक कुवत का मतलब है हिम्मत बढ़ा देने वाली ताकत राइट right? वो अरब फतूहत के पीछे कुवत भी थे विच के क्रिएटेड जिन्होंने पैदा किया एन एवर लास्टिंग ना खत्म होने वाला एवर लास्टिंग ना खत्म होने वाला लॉन्ग लास्टिंग भी बोल सकते हैं हमेशा कायम रहने वाला एक्चुअली इंप्रेशन तासुर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख पर ये देखिए मैं इसको जूम आउट करती हूँ बिहाइंड अरब कॉन्स्ट विच है लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री वो अरब फतवाहत के पीछे मुतहरिकवत भी थे जिन्होंने इंसानी तारीख़ पर ना ख़त्म होने वाला तासर पैदा किया जिन्होंने इंसानी तारीख़ पर ना ख़त्म होने वाला तासर पैदा किया क्या मतलब है मतलब देखिए आज तक हम दुनिया में जितने भी लीडर्स आ जाएँ जितने भी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज हमारे पास हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं लेकिन हजरत मोहम्मद सलील वसलम की पर्सनैलिटी उनकी तालीमात ऐसी हैं जो हमेशा कायम रहेंगी मतलब वो कभी भी पुरानी बात नहीं हो सकती राइट right? जैसे आज हम किसी कोई एक हमारा आइडियल है कल को कोई और आ जाएगा फिर फिर कोई और आ जाएगा शायद इसी तरह से लेकिन हजरत मोहम्मद सलील वसम की पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको हमेशा लोग फॉलो करेंगे राइट नो वंडर हैरत की बात नहीं है आप यूँ भी कह सकते हैं इसमें हैरानगी की बात नहीं है इसमें हैरत की बात नहीं है या आप यूं भी कहें नो no वंडर हैरत की बात नहीं है यूनिवर्सली वो कायनात में पास जगहों पर इसको आफाकी तौर पर भी कहा जाता है बट आप कायनात का वर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं आलमगीरियत भी बोला जा सकता है एक्नोलिज तस्लीम शुदा असरुएंशिय असर. तारीख में नो वर हिज यूनिवर्सली एक्नोलिज एज द मोस्ट इंफ्लुशियल फिगर इन हिस्ट्री हैरत की बात नहीं है वो कायनात में तारीख में सबसे ज़्यादा असर शख्सियत के तौर पर तस्लीम शुदा हैं जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे पास कायद है इलामा इकबाल हैं उसके बाद है उसके बाद है हु एवर इज़ हेयर लेकिन हजरत मोहम्मद सल अल वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है ही एक्चुअली इज़ द मोस्ट इन्फ्लुन्शल पर्सन इन द वर्ल्ड ओके सबसे ज़्यादा असर शख्सियत वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट अब आज लोग इसको मिचुअल हार्ट भी पढ़ते हैं बट इट एक्चुअल हार्ट इन दर्ड ऑफ माइकल हार्ट माइकल हार्ट के अहफकल हार्ट कौन था एक्चुअली वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन तारीख दान था अब उसने हजरत मोहम्मद के बारे में क्या कहा हम वो पढ़ेंगे इन दर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट अ ग्रेट हिस्टोरियन एक तारीख तारिकान माइकल हार्ट के अल्फाज में जी अब देखिए कि माइकल हार्ट क्या कहता है हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम के बारे में ओके मोहम्मद अलैहि वसल्लम हाउ एवर ताहम वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार थे फॉर बोथ दोनों डॉलोजी मजहबी अकायद जी मजहबी अकाय ऑफ इस्लाम इस् के एंड इन एथिकल और इसके मरकजीत मेन एथिकल मरकजीत एंड मॉरल प्रिंसिपल्स और अखलाक असूल मुहम्मद सल्लम हाउ एवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ दियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स महम्मद सलील वसम ताहम इस्लाम के मजहबी अकायद या आप बेहतर ऐसे कहें महम्मद सल्हली वसम ताहम दोनों इस्लाम के मज़बी अकायद और इसके मरकजी अखलाकियात और अखलाके असूलों के जिम्मेदार थे लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड लिटिल फिट कॉम्प्लिकेटेड मोहम्मद सल्म ताहम दोनों इस्लाम के मजहबी अकायद और इसके मरकजी अखलाकियात और अखलाके असूलों जिम्मेदार थे या मैंने कि एंड और एंड टू टाइम्स यूज यूज़ हो रहे हैं पहले भी एंड इट्स मेन एथिकल फिर आया एंड मॉडल प्रिंसि हमने पढ़ा और मरकजी अखलाकियात और अखलाके असूलों के ज़िम्मेदार थे आप इस लाइन को टू थ्री टाइम्स सुनेंगे देन इट विल बी क्लियर ओके इसको प्रैक्टिस करें सुनने के बाद देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इन एडिशन मजीद जेके ही प्लेट उन्होंने अदा किया आ की रोल अहम किरदार इन प्रोसलिटाइजिंग प्रोसलिटाइजिंग द ब्लीग प्रीच द न्यू फेथ नया ईमान

इन प्रसलटाइजिंग द न्यूफे एंड इन इस्ट रिलीजियस प्रैक्टिस मजीद जे के उन्होंने नए ईमान की तबलीग और मज़हबी अक़ाइद कायम करने में अहम करदार अदा कियाफ्ट दर हकीकत एज द ड्राइविंग फोर्स अभी ड्राइविंग फोर्स का वर्ड हमने पढ़ा इसी चैप्टर में वन टाइम ऊपर भी बड़ा फिर आ गया ड्राइविंग फोर्स का मतलब हमने पढ़ा था मतहरकवत या आप कह सकते हैं हिम्मत बढ़ा देने वाली ताकत इन फैक्ट दर हकीकत एज अ ड्राइविंग फोर्स मुतहरकवत के तौर पर एज द का वर्ड जहाँ पे यूज होता है हम हैसियत भी बोल सकते हैं या तौर पर भी बोल सकते हैं मुतरकवत के तौर पर या मुतहरिकवत की हैसियत से बिहाइंड पीछे द अरब कॉन्क्स्ट अरब फतुहात के अरब फतुहात के पीछे मुतहरकवत के तौर पर ही मे वेल रैंक उन्हें दर्जा दिया जा सकता है उन्हें दर्जा दिया जा सकता है एज़ अ मोस्ट इन्फ्लुशल सबसे ज़्यादा पुर असर पॉलिटिकल लीडर सियासी रहनुमा का इनफैक्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स बिहड द अरब कॉन्क्रस्ट हिमे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुशल पोलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम दर हकीकत अरब फ़तूहत के पीछे मतहरकवत की हैसियत से उन्हें हर जमाने के सबसे ज़्यादा पुर असर सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जा सकता है अभी मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया आपसे कि कोई भी लीडर है कोई भी पर्सनालिटी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इन्फ्लुएंशियल, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जो हमेशा रहेंगी द वन एंड ओनली हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम जिनको लोग हमेशा फॉलो करेंगे हमेशा राइट right? द सेकेंड लास्ट लाइन द अरब कॉन्क्वेस्ट अरब फतूहाल ऑफ द सेवेंथ सेंचुरी आई थिंक इट्स क्लियर एक अब देखिए, द अरब कॉन्क्वेस्ट अरब फतहाल ऑफ द सेवेंथ सेंचुरी सातवीं सदी की हैव कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल अहम किरदार अदा कर रही हैं अहम किरदार अदा कर रही हैं द्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख में डाउन टू द प्रेजेंट डे आज तक इसको अंडरलाइन कीजिए डाउन टू द प्रेजेंट डे आज तक द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सेवन सेंचुरी हैव कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे सातवीं सदी की अरब फतूह आज तक इंसानी तारीख में अहम किरदार अदा कर रही हैं राइट आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन ई मेल मी फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ वेरी लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर बी विद मी इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू